Assalamualaikum. आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरी राइस. उसके लिए हमें चाहिए चावल. आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चावल ले, जितना आपको चाहिए. हरा प्याज, ये है 4 हरा प्याज, आधी गड्डी हरी धनिया. सॉस बनाने के लिए जो हमने इसके ऊपर से डालनी है, उसके लिए 2 टेबलस्पून केचप है और 2 टेबलस्पून मेयोनीज है. अब इसमें पानी आपको जितना थिक और जितना थिन चाहिए उतना पानी डाल के मिक्स कर ले. मैं भी मिक्स कर लूँगी, फिर आपको बताऊँगी सॉस कैसा बनता है. ये है नूडल्स, अपने आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए नूडल्स की आप वो ले. ये मैंने लाल लहसुन है, ये गार्लिक, इसको चॉप, कुछ लोग स्लाइस करके डालते हैं, मैं चॉप करके डालती हूँ. सो मैंने इसको चॉप किया, ऑयल के अंदर हल्का सा ज़ीरा डाला और इसको लाल कर लिया. जब लाल करने जैसे अब रेड कलर आने लगा गोल्डन, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल के इसको मैंने निकाल लिया है. ये है हरी मिर्चें, इसमें भी इसको भी मैंने जस्ट कलर देने के लिए ऑयल के अंदर लाल किया हुआ है, ताकि ऑयल में फ्लेवर भी आ जाए. इसके लिए भी मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा और उसके अंदर 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाला और ये मिर्चें डाल दी, ताकि ये फ्राई हो गई. इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी रखा हुआ है, जब हम गार्निश करेंगे तो इसका ऑयल का फ्लेवर अच्छा होता है. सो मैंने इसको अंदर ऑयल भी रखा हुआ है. ये है 4 चिकन थाइस, जो लेग के ऊपर का पीस होता है, ये 4 है. इसको मैंने इसे स्ट्रिप में काटा हुआ है, मुझे क्यूब नहीं पसंद. ये सॉफ्ट होती है, इसलिए अगर आप चाहे आप ब्रेस्ट से भी बना सकते हैं. मैं इसको थाइस से बना रही हूँ. इसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल के इसको मैरिनेट किया हुआ है. ये 1/2 शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने स्ट्रिप में काटा हुआ है. ये मीडियम साइज़ का अनियन है, इसको मैंने इस तरह से काटा हुआ है, चकोर भी नहीं है और लंबा भी नहीं है. ये 1.5 गाजर है, इसको भी मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है. और ये छोटी सी बंद गोभी थी, उसमें से मैंने आधी ली हुई है. इसके सॉस के अंदर डालने के लिए, ग्रेवी के लिए हमें केचप चाहिए, चिली गार्लिक सॉस चाहिए, फिश सॉस से सॉरी सोया सॉस चाहिए और ऑयस्टर सॉस चाहिए. आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन का जो ग्रेवी जो होती है. ये देखिए, मैंने इसके केचप और मेयोनीज के अंदर पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया. ये इतना पतला मुझे चाहिए, आपको गाढ़ा चाहिए आप गाढ़ा रख सकते हो. इसके अंदर भी कोई मेजरमेंट नहीं होता. अगर आपको मेयोनीज का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए आप केचप कम डाल के मेयोनीज ज़्यादा कर ले. आपको इक्वल फ्लेवर चाहिए तो आप दोनों आधा आधा ले लें. आपको केचप का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो आप केचप की क्वांटिटी बढ़ा दें. दैट्स इट. जी, इसमें ऑयल गरम हो गया है, मैंने इसमें 2 क्लॉव गार्लिक डाले हुए फ्रेश. हमारा गार्लिक हल्का सा हो जाएगा इस, ये फ्रेश वाला. आप चाहे तो पिसा हुआ गार्लिक डाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा ये क्रश गार्लिक का फ्लेवर अच्छा आता है फ्रेश, इसलिए मैंने डाला है. इसके अंदर मैं डालूँगी, इसको हमें लाल नहीं करना है, बस हल्का सा होगा, ऑयल में फ्लेवर आ गया. अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन. चिकन डाल के इसको पिंक होने तक करें और फिर निकाल लें. ये देखें, हमारा चिकन हो गया है. इसको हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी और भी कुक होगा. इसको हम इसमें निकाल लेंगे. ये इतना सा इस चिकन का इसके अंदर पानी है, प्रॉब्लम नहीं है हमें. अब हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर, कैरेट, ये सारी सब्जियां होगी. उसके साथ वो चिकन का फ्लेवर भी आ जाएगा और पानी, अगर आपको इसमें जिंजर गार्लिक का वाला ही पानी है तो इसमें मसला नहीं है, इसमें कोई बिसांत कुछ नहीं आएगी. इसको हल्का सा करने के बाद ये हमारे गाजर थोड़े से हो गए. अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे.
इसको कुछ लोग चंक्स में भी काटते हैं, मेरे घर में चंक्स नहीं पसंद किए जाते क्योंकि मुंह में आते हैं, सबको प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसको हर सब्जी को मैं स्ट्रिप में काटती हूँ ताकि ये पतला पतला जल्दी से प्रॉब्लम नहीं हो खाने में भी और खाया जाए। हमारा प्याज थोड़ा सा 5-6 स्टर हमने किए, ये हो गया है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे, उसको भी स्टर करेंगे। ये होगा। अब हम पहले इसके अंदर सॉसेस डालेंगे, उसके बाद हम बंद गोभी वगैरह डालेंगे। इसमें हमें चाहिए केचप, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर सॉसेस डालें। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच केचप। दो टेबलस्पून है ये। दो टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। वन टेबलस्पून सोया सॉस। ये वूस्टर सॉस भी जाएगा इसके अंदर। सो वन टेबलस्पून हम वूस्टर सॉस डालेंगे। और ये ऑयस्टर सॉस। अब हम इस सबको मिक्स करते हैं और मैं इसके अंदर डालूंगी तीखा करने के लिए 1 चम्मच क्रश रेड चिली, स्पाइसी वाली है। अगर आपके पास स्पाइसी वाली नहीं है तो आप 1/2 चम्मच ये डालें, 1/2 टीस्पून ये डालें और 1/2 रेड चिली पाउडर डाल दें। मेरे पास ये जो है वो स्पाइसी वाली है, तो मुझे रेड चिली पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मिक्स करने के बाद बंद गोभी, जो हमने चिकन करके रखा हुआ था, ये चिकन। ये सबको मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सॉसेस थोड़े से लूज हो। इसमें हमें बंद गोभी को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बंद गोभी फिर बाकी सब्जियों के साथ और सॉसेस के साथ बिल्कुल सौगी हो जाएगी। तो हम ऊपर से भी डालेंगे, मसला नहीं है। अब मैं इसमें इतना पानी डालती हूँ जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। और ये सॉसेस की वजह से थोड़ी देर में खुद ब खुद ही थिक हो जाएगा। अब मैं इसको एक बॉयल आने तक इसको फुल आंच पे रखती हूँ ढककर, ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और फिर हम इसमें धनिया और हरा प्याज डालेंगे। मैंने इसकी थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा करनी है मैंने, सो मैंने इसमें अगेन 1 चम्मच गार्लिक सॉस डाला है, चिली गार्लिक सॉस, और 1 चम्मच केचप डाल के मिक्स कर दिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा भी होगा और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से बन जाएगी। सो मैं मगर इसमें एक बॉयल दूंगी और ये रेडी है। इसी हिसाब से आपको भी अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए और सब्ज़ी इतनी ही चाहिए तो आप भी केचप की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नमक चख ले, ये इसमें बॉईल आ गया है। अब हम इसमें धनिया और हरा प्याज अभी आधा डालेंगे, आधा जब हम इसको गार्निश करने जाएंगे तब गर्म करेंगे जब डालेंगे, ताकि इसमें स्मेल भी आ जाए और ये थोड़ा साबुत साबुत भी रहे। ये हमारी सिंगापुरी राइस की ऊपर की टॉप की ग्रेवी इज़ रेडी। अब हम इसको असेंबल करते हैं। आप चख लें नमक और सब, मैंने चखा, बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
ये बिल्कुल से रेडी होने आया है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून जितना ब्लैक पेपर डालेंगे। और मुझे नमक थोड़ा सा ग्रेवी के हिसाब से कम लग रहा है, मैं इसमें पाव जितना नमक डालूंगी, पाव टी स्पून जितना। ये देखिए ग्रेवी इसकी गाढ़ी भी हो गई, क्योंकि हमने वापस से इसमें ऊपर से थोड़ा सा केचप और चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से चिली गार्लिक सॉस और केचप बढ़ाते जाए। और सोया सॉस आपको खट्टा के लिए चाहिए, तो अगर आपको खट्टा ज़्यादा चाहिए तो सोया सॉस की क्वांटिटी बढ़ा दें। इसमें कोई हिसाब नहीं होता कि कितना केचप डालना है और कितना सॉस डालना है। सो इसमें एनी टाइम आप इसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें भूनने की भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारी ग्रेवी इज़ रेडी, अब इसको डिश आउट करते हैं। आइए अब हम इसको असेंबल करते हैं। हमने चावल ट्रे में निकाल लिए, इसके ऊपर हम पहले थोड़ा सा ये अपना सॉस डालेंगे केचप वाला, ताकि सॉस ये चावल थोड़े से जूसी हो जाए। इसके ऊपर हम नूडल्स डालेंगे। नूडल्स अपने हिसाब से डालें, आपको जितना चाहिए। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को कम पसंद होता है। मुझे ज़्यादा नूडल्स वाला अच्छा लगता है। इसके ऊपर अगेन हम थोड़ा थोड़ा ये सॉस डालेंगे। इसके ऊपर हमने जो ये ग्रेवी चिकन वाली वेजिटेबल की ग्रेवी तैयार की थी वो डालेंगे। ये जो रेड गार्लिक है, मैंने आपको ये बोला था कि इसके अंदर मैंने एंड के अंदर पहले तेल गरम किया, उसमें ज़ीरा डाला एक चम्मच, उसके बाद मैंने गार्लिक डाला। और जब गार्लिक रेड होने आ गया तो मैंने इसके अंदर क्रश रेड पेपर डाला हुआ है, नॉट ज़ीरा। हम ज़ीरा एक ही बार डाला है, एंड के अंदर मैंने क्रश रेड पेपर डाला हुआ है, लाल मिर्चें क्रश वाली जो तीखी वाली है वो, ताकि इसमें फ्लेवर आए। मेरे से गलती हो गई आपको बोलने में, सॉरी। इसके ऊपर हम ये डालेंगे। ये भी आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। एंड ये इसका ऑयल, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर है ऑयल का, मिर्चों का। और ये ऊपर से हरा प्याज, हरा धनिया, और आपको जितनी मिर्च चाहिए उतनी मिर्च आप डाल सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है। मैं वापस थोड़ा थोड़ा इसमें सॉस डाल देती हूँ। ये हमारा सिंगापुरी राइस रेडी हो गया। आई होप आपको पसंद आए।